नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। एयरटेल 4G ब्रॉडबैंड और वाईफाई सेवाएं डाउन हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को इंटरनेट से जुड़े काम करने को लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लोगों को आ रही परेशानी को लेकर आम लोग एयरटेल के प्रति काफी गुस्सा जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत भी करते देखे गए। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। परीक्षा अब 24 मार्च से शुरू होगी। यदि आप सर्दी जाने का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ दिन और रुकना होगा। उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अभी कुछ दिन और सर्दी बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में सुबह और रात में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 40 करोड़ खाताधारकों के लिए अलर्ट जारी किया है। बैंक ने अपने खाताधारकों को डेडलाइन से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की सलाह दी है। बैंक की तरफ से उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए समय समय पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि खाताधारकों को परेशानी न हो। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केरल में जीका वायरस का प्रकोप भी शुरू हो गया था। अब एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि केरल में उस समय जीका वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ था। एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केरल में जीका वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इस मामले को उचित समय पर उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट की 10 फरवरी के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद जवाब में कोर्ट का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला हिजाब पहनने को लेकर है। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तकनीक की मदद से सितारों जैसी ऊर्जा का दोहन किया जा सकेगा और धरती पर सस्ती और साफ ऊर्जा मिलने का रास्ता भी साफ होगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक ऐसा रिएक्टर बनाने में सफलता हासिल की गई है जो सूर्य की तकनीक पर न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। राज्य सरकार ने संविदा पर कार्यरत कर्मियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें सौगात दी है। राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों का महंगाई भत्ता 113 से बढ़ाकर 196% करने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 बनाई है। गुरुवार को ही राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को मंजूरी दे दी गई। वर्ग 1 से 5 और वर्ग 6 से 8 में शिक्षक नियुक्ति की योग्यता निर्धारित करने के लिए पूर्व में तय किए गए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में कई संशोधन किए हैं। विगत शनिवार को पटना से FDI का 200 टन चावल लेकर बांग्लादेश के जलमार्ग के रास्ते गुवाहाटी के लिए रवाना हुए MV लाल बहादुर शास्त्री नामक जहाज गुरुवार को साहिबगंज के रास्ते राजमहल पहुंचा। रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार की सुबह वहां से जहाज आगे रवाना होगा। पांचवें दिन जहाज ने कुल 119 किलोमीटर की दूरी तय की। बहुत जल्द धनबाद की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। दिल्ली की क्रेडिबल एजेंसी रूट सर्वे कर रही है। गुरुवार को नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने सर्वे की समीक्षा की। इसमें कई कमियां मिली है। मसलन एजेंसी ने लगभग एक दर्जन वार्ड को आधार मानकर रूट और स्टॉपेज बना दिए हैं। मुख्य सड़कों से ही बसों के संचालन की बात है। नगर आयुक्त ने कहा है कि जिले में 55 वार्ड है। राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित 552 रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया JPSC ने अंततः शुरू कर दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 15 जनवरी 2019 से रुकी पड़ी थी। वर्ष 2008 यानी कि 14 साल के बाद अब जाकर नियमित नियुक्ति हो रही है। हालांकि बैकलॉग नियुक्तियां जारी है। XLRI जमशेदपुर में छात्र अब एक साथ दो मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान ने इसी सत्र से एक नया ऐसा कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें 2 साल में एक साथ दो मास्टर्स डिग्री छात्र प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स को XLRI ने USA की 8वीं सबसे पुरानी रिजर्स यूनिवर्सिटी के रजर्स बिजनेस स्कूल के साथ डिजाइन किया है। केरल के वायनाड जिले के थिरुनेल्ली ग्राम पंचायत के अंतर्गत जाने वाली पनवेली आदिवासी बस्ती में 24 साल एक व्यक्ति क्यानुसुर फॉरेस्ट डिजीज यानी कि KFD से ग्रस्त पाया गया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मंकी फीवर कहते हैं। ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दी है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सकीना ने बताया है कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहले ही मौसमी बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया था और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने को कहा था। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। बजट पेश करते हुए 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था कि इन सरकार करीब 1500 गैर जरूरी कानून को खत्म कर देश में बिजनेस करना और आसान बनाना चाह रही है। यही कारण है कि सरकार समय समय पर अलग अलग कदम भी उठा रही है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 1/2022 के तहत झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2022 JECCE 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी 2022 से शुरू की जाएगी। तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड देश का अग्रणी राज्य है। देश में 70% सिल्क का उत्पादन झारखंड में होता है, जो पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है। राज्य की इस उपलब्धि में यहां के किसानों की महत्वपूर्ण योगदान रही है और रेशम का धागा बनाना भी आसान काम नहीं होता। वक्त के साथ अब नई तकनीक का इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है, पर पहले थाई रीलिंग प्रक्रिया के तहत रेशम के धागे बनाने का काम होता था। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बृहस्पतिवार को सदन में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराजा कहकर संबोधित किया, जिस पर मंत्री ने कहा कि वो कांग्रेस नेता को सूचित करना चाहते हैं कि उनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। झारखंड सरकार की तरफ से संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। यहां की हेमंत सोरेन सरकार ने संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर उसे 196% कर दिया है। ये पहले 113% ही था। इसके अलावा पीडीएस दुकानदारों के लिए भी सरकार सौगात लेकर आई है। सरकार ने सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत पीडीएस दुकानदारों के प्रति वस्त्र 1 रुपया कमीशन देने का फैसला भी किया है। 20 साल का लंबा इंतजार आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया। मुंगेरवासियों को डबल डेकर पुल की सौगात मिल गई। सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिले के लाल दरवाजा से मुंगेर खगड़िया रेल सह सड़क पुल का लोकार्पण किया। बड़े से मंच में बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम और मुंगेर सांसद ललन सिंह समेत मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक सिविलियन के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो इंडियन कोस्ट गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF रिक्रूटमेंट 2022 के कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ये अच्छा मौका है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज यानी 11 फरवरी के कारोबार में जोमैटो के शेयर में शुरुआती कारोबार में 9% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने कल यानी 10 फरवरी को अपने तिमाही नतीजे पेश किए थे, जिसके मुताबिक वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में घाटा कम होकर 63 करोड़ रुपए रहा है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को 352 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वहीं सितंबर तिमाही में कंपनी को 429 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अभी एक दिन पहले ही रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े अमीर होने का गौरव दोबारा हासिल करते देखे गए थे, लेकिन एक बार फिर से उन्हें अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने पछाड़ दिया है। अब वो भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े अरबपति हैं। अंबानी अदानी में भारत के नंबर एक अरबपति की रेस पिछले हफ्ते भी जारी रही। इन सबके बीच अमेरिका शेयर बाजारों में गुरुवार को आई गिरावट की वजह से टॉप 10 अरबपतियों में से अदानी को छोड़कर सबकी संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 11 फरवरी को जारी ताजा कोविड-19 आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 58,077 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 150,407 मरीज कोविड से रिकवर भी हुए हैं और 657 लोगों की जान गई है। पिछले दिनों के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 13.4% की कमी आई है। एक दिन पहले 67,084 नए मामले सामने आए थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि मुजफ्फरनगर में 2013 की स्थिति अब बदल गई है और यहां अब शांति स्थापित हो चुकी है, इसलिए इस बार चुनाव परिणाम कुछ अलग होंगे। टिकैत ने 2013 में मुजफ्फरनगर जिले में भड़के सांप्रदायिक दंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2013 का परिणाम ट्रायल था। ट्रायल का स्टेडियम अब यहां ढह चुका है। जिन स्टेडियम में ये मैच खेले गए थे वो अब ढह चुके हैं। राज्य में जारी हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी नसीहत दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने अपने 7 पृष्ठ के अंतरिम आदेश में कहा कि यदि वो कक्षाओं में हिजाब और भगवा शॉल पहनने जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने के बजाय कक्षाओं में लौटते हैं, छात्रों के हित की बेहतर इसमें सेवा होगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत पर कटाक्ष किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी की युवा शाखा के नेता वहीद पारा सहित कई लोग कथित झूठे आरोप में जेल में बंद हैं, लेकिन किसानों को वाहन से कुचलने वाला एक केंद्रीय मंत्री का बेटा खुला घूम रहा है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित मुगल गार्डन शनिवार 12 फरवरी से 16 मार्च तक आम जनता के लिए खुलेगा। राष्ट्रपति भवन द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि विजिटर्स को केवल एडवांस ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही गार्डन देखने की अनुमति होगी। जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन के पिता और निर्देशक रवि टंडन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो 86 साल के थे। रवीना टंडन ने शुक्रवार को सुबह मुंबई के जुहू स्थित अपने घर पर अपने पिता के अंतिम सांस लेने की जानकारी दी है। वो बढ़ती उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। रवीना टंडन ने एक पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने 4 थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की है। पहली फोटो में वो पिता का हाथ पकड़े हुए चल रही हैं। दूसरी तस्वीर उनके बचपन की है, उनके पिता ने उन्हें गोद में लिया हुआ है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिया यादव, रघुनाथ प्रसाद, नुन्नू कुमार, सनी कुमार, निशा गुंजन, धीरज कुमार, कमलेश कुमार, चंदन राज, राजीव कुमार, संतोष कुमार, अकबर आलम, सत्यम राज, सत्येंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत के अब तक के कौन से प्रधानमंत्री ने सराहनीय काम किया है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।